यार वो एम्बुलेंस उसी से ले जा। लोगों की पुरानी रंजिश चल रही थी। हमारे पापा के जो बड़े भाई थे उनका मर्डर हो गया था पहले, इन्हीं लोगों ने करवाया था, तो हम लोग समझ नहीं पाए। बाद में पता चला तो हम लोग होशियार रहने लगे, मगर ये लोग चुनाव उनाव लड़ रहे थे, हम लोग भी इस बार लड़े थे, तो उसकी रंजिश श्रीपाल प्रधान हुए, रामपाल वकील हुए, इनका लड़का है राघवेंद्र, संजय, जितेंद्र, ये लोग थे। इन लोगों ने आप पे बोली? हाँ, इन्हीं लोगों ने चलाए। तो प्रोग्राम वोग्राम हो रहा था क्या? हाँ, ये लोग प्रोग्राम करवा रहे थे। हमारा मकान गांव में भी है, रोड पे भी है, तो हम लोग आ रहे थे वहाँ। अच्छा, आ रहे थे तो रास्ते में ही इन लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये लोग अपने विचार से पूरे थे ना, तैयार हुए। पुरानी रंजिश थी, हमारे घर में डकैती डलवाए थे, मेरे भाई वकील था, उसकी हत्या करवा दिए थे 18 साल पहले 2002 में। अब गांव में नौटंकी हो रही थी, वही देखने गए तो वहां घेर के और दौड़ा दौड़ा की गोली मारे मेरे भाई महेश चंद्र को और भतीजा अमित कुमार को। किसने? दो व्यक्ति हमारे पास आए थे, इनको 108 एम्बुलेंस के द्वारा बलिराम से लाया गया। इनको काफ़ी चोटें लगी हुई थी, शायद इनको गोली भी लगी हुई, इनको प्राथमिक उपचार करके तुरंत लखनऊ भेज दिया गया। अच्छा, बाकी अन्य लोग भी घायल हैं क्या? इस बारे में अन्य लोग अभी आ रहे हैं, उनको देखते इलाज के दौरान क्या होता है।